मंदार पर्वत। मंदार पर्वत बिहार राज्य के बांका जिला में स्थित है। यह भागलपुर शहर से लगभग 45 किलोमीटर दूर भागलपुर देवघर मार्ग पर बौसी गांव में स्थित है। इस पर्वत की ऊंचाई लगभग 700 फीट है। यह एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। इसके शिखर पर दो मंदिर हैं, एक हिंदू मंदिर और दूसरा जैन मंदिर। पौराणिक कथाओं की बात करें तो हिंदू के पौराणिक कथाओं में इस पर्वत को मंदराचल कहा गया है और ऐसी मान्यता है कि जब देव और असुरों ने समुद्र का मंथन किया था तो इसी पर्वत को मथनी बनाया गया था। इस पर्वत के नीचे पूरब की ओर तल पर एक तालाब है जिसे पापहरणी सरोवर कहा जाता है। इस सरोवर के बीच में एक मंदिर है जिसे लक्ष्मी नारायण मंदिर कहा जाता है। इसमें धन की देवी माता लक्ष्मी और जगत के पालनकर्ता श्री विष्णु की मूर्ति है। पर्वत के चोटी पर जैन मंदिर है। जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर भगवान वासुपूज्य की पूजा करने के लिए जैन धर्म के काफ़ी श्रद्धालु यहां आते हैं। कहा जाता है कि भगवान वासुपूज्य का निर्वाण इसी स्थान पर हुआ था। यहाँ देखने के लिए कई अन्य चीज़ें और मंदिर हैं, जैसे पापहरणी सरोवर, सीताकुंड, वासुपूज्य जैन मंदिर, कामाख्या देवी मंदिर, बोटिंग पॉइंट इत्यादि। नीचे से पहाड़ की चोटी तक जाने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है पैदल मार्ग और दूसरा रास्ता है रज्जू मार्ग अर्थात रोपवे। यदि कोई व्यक्ति सीढ़ी के द्वारा पैदल नीचे से ऊपर जाना चाहता है तो उसे लगभग एक घंटे का समय लग सकता है और इस क्रम में वह कई छोटे छोटे मंदिर के दर्शन भी कर सकता है। रोपवे से नीचे से ऊपर जाने पर लगभग 4 से 5 मिनट का समय लगता है। रोपवे से नीचे का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखाई पड़ता है।
रोपवे का उद्घाटन हाल ही में बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा 21 सितंबर 2021 को किया गया है। नीचे से ऊपर जाने और ऊपर से नीचे आने के लिए रोपवे का टिकट प्रति व्यक्ति 80 रुपया है। अगर आप रोपवे का आनंद लेना चाहते हैं तो यहाँ पर ले सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि प्रत्येक बुधवार को रोपवे बंद रहता है। यदि आप बुधवार को आते हैं तो रोपवे का आनंद नहीं ले पाएंगे। प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ एक विशाल मेले का आयोजन होता है, जिसमें देश और विदेश से कई श्रद्धालु यहां आते हैं। पर्वत के नीचे कई छोटे बड़े खिलौने और पूजन सामग्री के दुकान हैं, जहां भक्तगण अपनी आवश्यकता के अनुसार खरीदारी कर सकते हैं। नीचे आपको कई चाट पकौड़ी और मुड़ी घुघनी के दुकान मिल जाएंगे, जहां आप नाश्ता कर सकते हैं। परंतु दुख की बात यह है कि यह इतना प्रसिद्ध स्थान होते हुए भी यहाँ भोजन की एक भी दुकान नहीं है। अगर आपको चावल रोटी पसंद हो तो वो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। यहाँ पर आना काफ़ी सरल है। बांका यहाँ का नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। बांका सड़क मार्ग द्वारा भी देश के कई शहरों से जुड़ा हुआ है और यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट बिहार की राजधानी पटना में है, जो लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फिर दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टूरिस्ट प्लेस पर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय। और अंत में गर्व से बोलिए जय हिंद, जय भारत।